चार पंक्ति देखिए, एक घर के माहौल से बड़ा आसानी से हम लोग कह देते हैं ये मेरा भाई है, तू अलग हो जा, मैं अलग हो जाऊँ, लेकिन बड़ी मेहनतें, बड़े सपने, बड़ी चीज़ें टूट जाती हैं उससे। किसी के इश्क ने किस्मत सवार कर रख दी, हमने जीती हुई बाजी भी हार कर रख दी। किसी के इश्क ने, छोटी सी बात, एक हल्की सी बात से हमें प्रेम हो गया उससे, इच्छा थी हमारे मन के, प्रेम का मतलब इच्छा, हमें किसी बात की इच्छा हो गई और हमने घर तोड़ दिया। जैसे माँ बाप बचपन से बड़ा करते हैं, एक फूल की तरह, गमले की तरह सजाते हैं, छोटी सी बात पे आज घर टूट जाया करते हैं। किसी के इश्क ने किस्मत संवार कर, सरकार चली गई ऐसे ही, 2017-2014 की ऐसी सरकार चली गई घर के झगड़े में। किसी के इश्क ने किस्मत संवार कर रख दी, हमने जीती हुई बाजी भी हार कर रख दी। किसी के इश्क ने किस्मत संवार कर रख दी, हमने जीती हुई बाजी भी हार कर रख दी, और टूटते घर को बचाने के लिए बाप ने फिर बेटे के कदमों में पगड़ी उतार कर रख दी। वाह वाह वाह, क्या 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 पंक्ति हो गई भाई साहब। लिए बाप ने फिर बेटे के कदमों में पगड़ी उतार कर रख दी। खुशबू, जादू, शोखी, आंसू सब मुझ में ही रहते हैं। खुशबू, जादू, शोखी, आंसू सब मुझ में ही रहते हैं। एक इश्किया मौसम के कितने चेहरे होते हैं, बादल, पगला, मजनू, आशिक, कैसे कैसे नाम मिले, दुनिया वाले दिल वालों को जाने क्या क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया। अरे यार वो बच्चे चले गए, वो इसी को प्रेम समझ रहे थे, लैला लैला को समझ रहे थे। काम बताओ, काम तो अब शुरू हुआ था। बादल, पगला, मजनू, आशिक, कैसे कैसे नाम मिले, दुनिया वाले दिल वालों को जाने क्या क्या कहते हैं। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा, हमारा प्रेम हमको कौन वापस करेगा, लेकिन हम आकांक्षी नहीं है उसकी। दुनिया में प्रेम तभी सफल होता है जब आप उसकी आकांक्षी नहीं रहो। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा, दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा, दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा। ख्वाहिश है मेरी, मेरे सलामत रहे दुश्मन, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, कि वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। बैठो शूल जी, बैठो तो सही यार, आखिरी पंक्ति और पढ़ तो पहले मैं अपना काम कर लूँ, है ना। दुनिया में वफाओं का सिला कौन करेगा, दुखते हुए जख्मों की दवा कौन करेगा। ख्वाहिश है मेरी, मेरे सलामत रहे दुश्मन, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। जीवन में मान, अपमान, फ्रस्ट्रेशन, रिजेक्शन हर पल मिलते हैं आपको, कैसे संभालता हूँ। दुआ हो डंग साहब, बद्दुआ, सब कुछ सलीके से उठाता जीवन में सीखा छोटे में। दुआ, तुमको भी बता रहा हूँ, बहुत रिजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, डिनाइज, रिजेक्शन बहुत आते हैं जीवन में। दुआ हो, बद्दुआ, सब कुछ सलीके से उठाता हूँ, मैं खुल करके परिंदों की तरह उड़ना सिखाता हूँ। तुम्हें है ये घमंड तारो कि है रोशन जहाँ तुमसे, मैं जुगनू हूँ अंधेरी रात में रास्ता दिखाता हूँ, कि मैं जुगनू हूँ अंधेरी रास्ता दिखाता हूँ, मैं जुगनू हूँ अंधेरी रात में रास्ता दिखाता हूँ। चांद सो जाए तो सूरज को जगा देता है, तेज आंधी में भी दीपों को जला देता है। मेरा मंदिर में, मस्जिद में किसी पे कोई विश्वास नहीं है, मेरे इन वादों पे ही विश्वास नहीं है। चांद सो जाए, लेकिन मैं डिनाई भी नहीं करता हूँ कि ईश्वर नहीं है, मैंने मना भी नहीं किया ईश्वर नहीं है। चांद सो जाए तो सूरज को जगा देता है, तेज आंधी में भी दीपों को जला देता है। आज भी जिंदा है नफरत के दौर में इंसान, कुछ तो है जो तेरे होने का पता देता है। वाह 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 वाह, कुछ तो है जो तेरे होने का पता देता है, पता देता है कि कुछ तो है जो तेरे होने का पता देता है। आखिरी पंक्ति आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ कि इतिहास में हम इतने बड़े झूठ से सामने देख रहे हैं अपने आप को,
और उसको रोज महसूस कर रहे हैं, कहीं ताली कहीं मजमा कहीं चुटकी बजाता है, रोज नए नए हथकंडे हम लोगों के पास और हम उनको देख रहे हैं, कहीं ताली कहीं मजमा कहीं चुटकी बजाता है, वो अपने दुश्मनों को इस तरह पटकी लगाता है। नया हथकंडा है साहिब का अपने पाप धोने का, सुना है आजकल गंगा में वो डुबकी लगाता है।